हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद आवर रीडिंग ऑफ नेक्स्ट लेसन. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर. द बुक इज फ्लेमिंगो एंड द चैप्टर नंबर इज 6, पोएट एंड पैनकेक्स. पैनकेक, खाने वाला केक मत सोचना. पैनकेक जो है यहाँ पर जस्ट एक तरह से यानी कि मजाक सा उड़ाते हुए आप सोच सकते हैं कि ऐसे जो है वो यहाँ पर पत्थर ने जो है वो यूज़ किया है. तो फिल्म सिटी की एक तरह से बात है ये चेन्नई का, ठीक है. तो जैमनी स्टूडियोज़ जो है, जैसे अलग अलग स्टूडियोज़ होते हैं ना, सुना भी होगा जैसे कई इनकी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के अलग अलग स्टूडियोज़ होते हैं. तो ऐसे ही एक जैमनी स्टूडियो की जो है ये स्टोरी है. तो जैमनी स्टूडियो जो है वो चेन्नई में है और 1940 के अराउंड जो है उस टाइम ये था, ये बना था. सो इस पर जब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि जो फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया की उस टाइम में 1940s के टाइम पर, तो इंडियन फिल्म मेकिंग का बहुत ज़्यादा इस पर इन्फ्लुएंस था. इट्स फाउंडर वॉज SS वासन. तो SS वासन जो थे इसके फाउंडर थे. द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रान इन जैमनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज़ पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर दैम इन फ्लाइज. तो जो ऑथर है, तो ऑथर अशोका मित्रान है, तो जैमनी स्टूडियो में काम करते थे ऑथर, और उनके यही थी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में के बारे में जो भी पेपर में जो है कटिंग उनकी न्यूज़ आती थी तो उनको बस काट कर एक फाइल में इकट्ठा करना था. तो बस यही था कि पेपर की कटिंग्स काट जाओ तो लोगों को क्या लगता था. मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड, कई तो हाथ से लिखनी पड़ती थी. ऑल दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेम्बर्स ऑफ द जैमनी फैमिली. तो सब इनकी उसके काम का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस तो नहीं था, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन जो थी जैमनी फैमिली में बहुत ज़्यादा थी. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस. तो माई, उन्होंने एक बुक लिखी थी माई ईयर्स विद बॉस, उसमें से ये छोटा सा एक पार्ट है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल दैट जैमनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स. तो पैनकेक जो है वो कोई खाने वाला केक नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था. तो पैनकेक जो है एक इनकी ब्रांड का नाम था जो कि उस टाइम वहाँ पर मेकअप के रूप में जो है, जैसे अब अलग अलग ब्रांड्स आते हैं ना, फेयर एंड लवली, लैक्मे वगैरह, तो उस टाइम पैनकेक नाम का ब्रांड जो था बहुत ज़्यादा फेमस था, और उसका जो मेकअप का मटेरियल था ट्रक भर भर के जैमनी स्टूडियोज़ में आते थे. ग्रेटो गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट. तो ग्रेटो गार्बो जो है वो एक स्वीडिश, मतलब स्वीडन की एक्ट्रेस है, तो कहते हुए पक्का उसके बारे में जानती होंगी. मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट. तो मिस गोहर भी एक एक्ट्रेस है, तो कहते वो भी इन्होंने भी उसको यूज़ किया होगा. वैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट. तो वैजंती माला ने भी कहते इसको यूज़ किया होगा, रति अग्निहोत्री भी, ये सारी फिल्म एक्ट्रेसेस के नेम है ना. सो उन्होंने कहते शायद इसका नाम भी ना सुना हो. द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जैमनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग डैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स. तो इनकी मेकअप का जो डिपार्टमेंट था जैमनी स्टूडियो में, वो सीढ़ियाँ चढ़ के था, और वो सीढ़ियाँ चढ़ कर जो था वो ऊपर चढ़ कर था. उनकी उसको ऐसे बिल्डिंग को कहा जाता था कि जैसे ये रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल्स, मतलब वो होता है जब घोड़े बांधते हैं, क्या कहते हैं उसको, अस्तबल, ठीक है. तो ऐसा बोला जाता था कि वो रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल है. अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेट टू हैव बीन हिज रेजिडेंस. तो कई सारे अदर बिल्डिंग्स के ऐसे और भी दर्जनों बिल्डिंग्स होंगी जो कि कहा जाता था कि उनके घर जैसे ही है. फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग बिसाइड्स
fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Frost St. George in Madras. तो फॉर ये बहुत छोटी उम्र के हैं थे वो उस टाइम, और कहते हैं कि मद्रास में तो और भी थोड़ा टाइम ही हुआ था रॉबर्ट क्लाइव को आए हुए, और उस ऐसा लगता था कि इतने छोटे टाइम में उसने बहुत ही ज़्यादा इनकी इधर से उधर वो घूमे हैं, कई सारे कोनों में जो है वो घूमे हैं, और ऐसा लगता था कि कई सारी लड़ाइयाँ इम्पॉसिबल बैटल्स जो हैं इंडिया के दूर दूर ऐसे रिमोट कॉर्नर्स, मतलब कि ऐसी जगह पर जहाँ पर पहुँच पाना ही मुश्किल है, वहाँ पर जाकर ऐसी स्ट्रगल्स जो हैं की है। और बाद में जो है मद्रास में सेंट जॉर्ज के में जो है सेंट जॉर्ज फोर्ट में, मतलब किले में जाकर जो है फिर सेंट मैरी चर्च में जो है उसने एक लड़की के साथ जो है वो शादी की। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ द हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। तो जो मेकअप रूम था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक हेयर कटिंग सैलून है, कई सारे जैसे अब होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट जब से सैलून में जाते हैं तो अलग अलग एंगल्स के ऊपर लाइट्स लगी होती हैं और कई सारे इधर उधर से मिरर्स जो है वो लगे होते हैं। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स सो यू कैन इमेजिन द फेयरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो वहाँ पर जो है कहते हैं कि इतनी सारी हीट देने वाली लाइट्स थी चारों तरफ लगी हुई कि आप सोच सकते हो कि जो बंदा बेचारा मेकअप वहाँ पर करवा रहा है उसे कितना ज़्यादा गर्मी, कितनी ज़्यादा उसको दुख जो है वो वहाँ पर झेलना पड़ता होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। तो पहले तो जो एक इनकी मेकअप डिपार्टमेंट का हेड था वो एक बंगाली था, और वो जो था अपने इनकी उस स्टूडियो के अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ा आदमी था एक तरह से, और उसने छोड़ दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाय अ धरवार कन्नड़िगा एंड आंध्रा अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज। तो फिर उसके बाद कहते एक महाराष्ट्रियन आया, महाराष्ट्रियन का जो असिस्टेंट था वो क्या था धरवार कन्नड़िगा था जो कि एक आंध्रा से था, तो ये बोल सकते हैं कि मद्रास का वो इंडियन क्रिश्चियन था तो मेनली जो है एंग्लो बर्मीज उसका ओरिजिन हम बोल सकते हैं, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स और साथ के साथ कुछ तमिल लोग भी थे वहाँ पर। ऑल दिस शोज दैट देर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स और नेशनल इंटीग्रेशन। तो कहते कि इतने सारे वहाँ पर कोई एंग्लो बर्मीज, कोई मद्रास का क्रिश्चियन, कोई आंध्रियन, ठीक है, तो इतने सारे लोग जो थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स से थे, तो हम कह सकते हैं कि AIR होते हैं ना ऑल इंडिया रेडियो सर्विसेज, तो कहते कि रेडियो और दूरदर्शन पर जब नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम स्टार्ट हुए होंगे ना उससे पहले ही वहाँ पर इतने सारे लोगों का हम इंटीग्रेशन देख सकते थे कि कैसे उन्होंने अलग अलग टाइम पर अलग अलग मिलजुल कर जो है वो काम किया। सो दिस गैंग ऑफ नेशनलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इंटू अ हीडियस क्रिम्सन ह्यूज मॉन्स्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। तो यहाँ पर जो है ऑथर मजाक सा उड़ाता हुआ कहता है कि वो जो नेशनलिटी इंटीग्रेशन का जो हम बोल सकते हैं गैंग है, तो वो किसी भी अच्छे भले दिखने वाले बंदे को जो है एक हीडियस क्रिम्सम ह्यूज मॉन्स्टर के भद्दा सा बड़े जैसे मॉन्स्टर मतलब के भूतिया सा हम बोल सकते हैं ना, और उसके बाद हीडियस मतलब के जिसको हम बहुत ही ज़्यादा हेट करें, क्योंकि अच्छे भले दिखने वाले बंदे को भी ना वो एक मॉन्स्टर की तरह जो है वो पैन केक का मेकअप थोप कर कई सारे पोशन मतलब कि ऐसे कोई लिक्विड सा लगाकर कोई लोशन सा लगाकर, तो अच्छे भले बंदे को देखने वाले को जो है दिखने वाले को गंदा सा एक भूत बना देते थे वो।
दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग्स. आजकल तो होता है ना, कोई स्विट्ज़रलैंड में शूटिंग कर रहा है, कोई आजकल जैसे अब कुल्लू मनाली में शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है. तो कहते हैं उन दिनों में इंडोर शूटिंग्स होती थी, मतलब कि पहले तो ब्लैक एंड वाइट ही होता था और फिर इंडोर शूटिंग्स होती थी, मतलब कि जैसे अब सीरियल्स वगैरह में इंडोर ही होती है ना, कि एक दो घर जो है वो बंगले जो है वो ले लेते हैं और वहाँ पर शूटिंग करते हैं, तो उसके इंडोर शूटिंग बोलते हैं ना. तो इंडोर शूटिंग्स कहते हैं उन दिनों में होती थी, एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शूट आउटडोर्स. और कहते कि सिर्फ 5% के अराउंड ही फिल्म जो थी वो बाहर उनकी आउटडोर्स में उनकी शूटिंग होती थी. आई सुपोज द सेट्स एंड स्टूडियोज लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक रिप्रेजेंटेबल इन द मूवी. तो ऑथर कहते हैं मैं तो यही सोचता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि ये सारे सेट्स हैं, ये स्टूडियोज़ की लाइट्स हैं, वो गर्ल्स और बॉयज़ को इनकी अगली लुक देने के लिए होते हैं, ताकि वो प्रेजेंटेबल इनकी मूवी में जो है आप उनकी लुक को, वैसी गंदी सी लुक को जो है वो प्रेजेंट कर सकें. अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट. तो एक तरह का जो है वो पूरा का पूरा प्रेजेंट इनकी डिफरेंट लेवल्स जो थे इनकी, हर एक उसमें होते हैं ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट वाला बंदा, फिर उससे कम इम्पोर्टेंस वाला, उससे कम इम्पोर्टेंस वाला. तो वहाँ पर डिपार्टमेंट में भी, मेकअप डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही एक हायरार्की, एक चेन सी बनी हुई थी. द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस अगली. तो अगली मतलब कि वो मेकअप को ही बोल रहा है कि मेकअप करके वो बंदे को गंदा कर देते थे. तो जो चीफ सबसे हेड होता था बड़ा, वो मेन जो एक्टर होता था और एक्ट्रेस होते थे उनको मेकअप करता था, मतलब उनको उनकी शक्ल बिगाड़ता था. ही सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड द हीरोइन. उसके बाद जो उसका असिस्टेंट होता था, फिर उसके बाद उस जो साइड हीरो जो उसके फ्रेंड्स वगैरह बन जाते थे या मदर मुदर बनते थे ना, मदर फादर, उनको कहते कि सेकंड हीरो हीरोइन को मेकअप करता था. जो जूनियर असिस्टेंट होता था द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ. तो वो कॉमेडियन को फिर धीरे 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 ऐसे लेवल जो था वो कम होता जाता था. द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय. ऑफिस बॉय मतलब कि जो बस हेल्पर्स के लिए रखे होते थे. तो जैसे अब लोग घूम रहे होते हैं ना ऐसे, जिनका कोई सीन नहीं होता है, बस भीड़ सी दिखाने के लिए बस पिक्चर के पीछे घूमते रहते हैं लोग, या फिर डांस कर रहे होते हैं पीछे लड़के लड़कियां, उनको क्राउड बोलते हैं. तो कहते कि उनको मेकअप करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी? ऑफिस बॉय की. Even the makeup department of the Gemini Studios had an office boy. तो कहते कि Gemini Studio का भी जो office boy था उसका भी एक makeup, Gemini Studio के department में भी एक office boy था. On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स. तो कहते जिस दिन होते थे ना कि क्राउड शूटिंग होती थी, मतलब आज बहुत ज़्यादा लोगों की शूटिंग होनी है, तो उसमें बड़े से बर्तन में, जैसे पतीले वगैरह होते हैं ना हलवाइयों के, कहते हैं ऐसे बड़े से बर्तन में जो है वो मेकअप को जो है वो मिक्स करते और स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स. स्लैपिंग मीन्स थप्पड़ मारना नहीं, मतलब कि पोंछना, एक तरह से मेकअप पोंछ देते थे क्राउड के ऊपर. The ideas was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. तो उनका बस, उनको बस यही बोलना होता था कि इनके फेस पर जितने भी दाग धब्बे हैं, जितने भी पोर्स दिखाई दे रहे हैं, उन सभी को मेकअप के साथ कवर करना है. He wasn't exactly a boy. तो ऑफिस बॉय तो बोलते थे, लेकिन वो ऑफिस बॉय नहीं था, मतलब कि लड़का नहीं था. He was in his early 40s, मतलब 40-45 के अराउंड कहते उसके एज थी. Having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer. तो बस वो जो है बेचारा इसीलिए उस स्टूडियो में आया था कई साल पहले, कि या तो वो एक्टर बन जाए, या राइटर बन जाए, या डायरेक्टर बन जाए, या फिर लिरिक्स राइटर बन जाए, कि डायलॉग्स वगैरह लिखे. ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोइट. छोटा सा छोटी मोटी पोइम्स भी लिखता था, तो ये भी बोल सकते हैं कि वो एक पोइट भी था. ठीक है, तो आज का लेसन हम यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट लेसन में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे.
टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.